हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ लिटिल लॉन और माफिया हस्बैंड स्टोरी की नेक्स्ट पार्ट को। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जी होप ने तियांग से कहा था, क्योंकि जनकुक बीबी के लिए बहुत ही इंतज़ार कर रहा है और जनकुक को अब इंतज़ार करना गवारा नहीं है और तियांग उसका ध्यान बटाना चाहता है। तो फिर जी होप ने तियांग से कहा, जनकुक को कहीं बाहर घुमाने के लिए लेकर जाओ, जहाँ पर जाने के बाद जनकुक इस बच्चे के बारे में भूल जाएगा कुछ दिनों के लिए, और जब तुम लोग वापस आओगे तब तक जनकुक की बेबी दुनिया में आने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो तियांग कहता है, ऐसी कौन सी जगह पर लेकर जाना चाहिए मुझे उसको? जी होप ने कहा, जनकुक को सबसे ज़्यादा पसंद कौन सी जगह है उसको पूछो। तियांग कहता है, मुझे पता है उसको क्या पसंद हो सकता है। जी होप कहता है, दैट्स गुड, उसको वहाँ पर लेकर जाओ और तुम लोग वहाँ पर कुछ दिन के लिए घूम कर आओ, और जब तक वापस आ जाओगे तब तक जनकुक उस बच्चे को जन्म देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तियांग कहता है, क्या इस टाइम पर उसको बाहर घूमने लेकर जाना ठीक होगा क्या? तो जिहोप कहता है, बिल्कुल ठीक होगा, और तुम उसके साथ हो तो फिक्र की क्या बात है। तो फिर तियांग ने जनकुक को समुंदर दिखाने के लिए लेकर आ गया। यहाँ पर इतने बड़े समुंदर को देखकर जनकुक बहुत ही खुश हो गए और तियांग के गले लग गया और तियांग से कहा, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? मुझे ये जगह बहुत पसंद है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे यहीं पर ही रहना है। क्या हम लोग यहाँ पर हमेशा रह सकते हैं क्या? तियांग खुश होकर कहता है, जब तक तुम चाहो यहाँ पर रह सकते हो। जनकुक तियांग को टाइटली हक कर लेते हैं। तियांग जनकुक से कहता है, तुम मुझे इस तरह से हक नहीं कर सकते हो जनकुक। जनकुक कहता है, लेकिन क्यों नहीं कर सकता हो? तुम मुझे मना क्यों कर रहे हो? क्या तुम किसी और को हक करना चाहते हो? तियांग कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारी टम्मी में कोई भी पेन फील हो। तुम इस तरह से हक करोगे तो तुम्हारी टम्मी में बहुत ही पेन फील होगा ना, इसीलिए। जनकुक कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे तो कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है। पहले भी तो ऐसे मैं तुम्हें हक किया करता था, तुम्हें अच्छा भी लगता है, तो अब क्या हो गया? तो तियांग कहता है, लेकिन अब इस टम्मी में बेबी आने वाले हैं ना। जनकुक कहता है, क्या बेबी के लिए इतना कुछ करना पड़ता है? तुम हमेशा मुझे ये मत करो वो मत करो कहते रहते हो, मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तियांग कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। तियांग थोड़ा सा मायूस होकर कहता है, जिहोप ने तो ये भी कहा है, अब तो तुम्हारे मूड भी चेंज होते रहेंगे, पता नहीं मुझे और क्या क्या झेलना होगा। वैसे ही तुम बहुत ही नखरा करते हो, ऊपर से और भी ज़्यादा। जनकुक कहता है, क्या कहा तुमने? क्या तुम मेरा बुराइयां कर रहे हो? तियांग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है बीबी, चलो मेरे साथ और जाकर फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें समुंदर सामने से दिखाऊंगा, ठीक है ना? जनकुक कहता है, तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं। उसके बाद जनकुक और तियांग शाम को दोनों समंदर के सामने आ जाते हैं। तो फिर तियांग और जनकुक साथ में लेटे हुए समंदर को देख रहा था। समंदर बहुत ही गहरा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था दिखने में। समंदर को देखते ही जैसे कि दिल को सुकून मिल गया हो। जनकुक बहुत ही खुश था, वो तियांग को हक करते हुए कहता है, तो मुझे यहाँ पर लेकर आया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर तियांग ने भी जनकुक की होठों पर किस करते हुए कहा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुम्हें खुश देखकर। जनकुक बहुत ही शाय फील कर रहा था और तियांग से कहता है, मुझे समंदर के बीच में जाना है। जनकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, मैंने जेहूब से कहा था उसको बाहर लाना ठीक नहीं होगा, वो ऐसे कुछ करना चाहेगा, अब मैं क्या करूँगा? जनकुक तो जो करना चाहता है वो करके रहता है, मुझे अब क्या करना चाहिए? मैं तो बुरी तरह से फंस गया। जनकुक कहता है, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? मुझे समंदर के बीच में लेकर चलो। तियांग कहता है, जनकुक ऐसा नहीं कर सकते हो तुम, तुम्हें ठंड लग जाएगा और मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता हूँ। देखो अब तो तुम बेबी को भी जन्म देने वाले हो ना। जनकुक कहता है, तुम हर चीज़ में बेबी को क्यों लेकर आ जाते हो? तो बेबी भी चाहते हैं ना समंदर में जाने के लिए, उसका भी मन कर रहा होगा पानी को छूने के लिए, तुम मना क्यों कर रहे हो? चलो ना। और तियांग के साथ बहुत ही फोर्स करने लगते हैं। तियांग कहता है, लेकिन जनकुक तुम्हें ठंड लग जाएगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ये पानी बहुत ही ठंडा है। लेकिन जनकुक तो तियांग को कहता है, तुम उसे प्यार ही नहीं करते हो, वरना कभी मना नहीं करते। तो तियांग ने जनकुक को समंदर के बीच में लेकर आए और जनकुक से कहा, सिर्फ 5 मिनट, हाँ इससे ज़्यादा नहीं। तो जनकुक तियांग के साथ खेलना शुरू कर देता है पानियों के साथ। तियांग कुछ देर के लिए भूल ही जाते हैं
दोनों बहुत देर तक पानी के साथ खेल रहा था। सूरज डूबने ही वाले हैं। तियांग जंगकुक को लेकर दोबारा से वहाँ पर आ जाते हैं और लेट जाते हैं और दोनों सूरज को डूबते हुए देखते हैं। जंगकुक कहता है, ये तो बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, मुझे हर रोज यहाँ पर आने के बाद सूरज को डूबते हुए देखना है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तियांग कहता है, मैं तो भूल ही गया, हम दोनों बहुत देर से भीगे हुए हैं, चलो जल्दी से रूम में चलते हैं। जंगकुक तुम बहुत जिद करते हो। जंगकुक नहीं जाना चाहता है तो तियांग ने जंगकुक को गोद में उठा लिया और उसको होटल के रूम में लेकर आए और अपने हाथों से उसके कपड़ों को चेंज कर दिया। टावल से उसके बालों को सुखा रहा था। जंगकुक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा लग रहे थे तो तियांग ने अपने आप को नहीं रोक पाया और जंगकुक की होठों पर किस कर लिया और उसको गोद में उठाते हुए बेड पर लेकर गए और दोनों यहाँ पर इंटीमेट हो गए। जंगकुक को तियांग बहुत ही प्यार दे रहा था। आखिरी में तियांग जंगकुक को बाहों में लेते हुए सो जाते हैं। जंगकुक बहुत थक गया था। तियांग जंगकुक की फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, सॉरी बेबी, मैंने तुम्हें बहुत थका दिया है ना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता, तुम इतने क्यूट लग रहे थे कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। जंगकुक वो ब्लश कर रहा था। वो तियांग से कहता है, कोई बात नहीं, हम तो ये बेबी के लिए कर रहे हैं ना, और ऐसे भी मुझे अच्छा लगा। तियांग कहता है, क्या तुमने अभी क्या कहा, तुम्हें अच्छा लगा? जंगकुक कहता है, हाँ मुझे अभी ये अच्छा लगने लगा है, तुम ऐसे बहुत ही हॉट लगते हो, जैसे कि मैं फिल्म में देखता हूँ, हीरो इतने हॉट और हैंडसम लगते हैं ना, तुम भी वैसे ही लग रहे थे, और तुम्हारा वो तो तियांग जंगकुक की होठों पर किस कर लेता है ताकि जंगकुक आगे और कुछ ना बोल सके। जंगकुक तो हद से ज़्यादा ही बोलने शुरू कर दिया था। तो फिर तियांग हर रोज जंगकुक को लेकर बीच में आ जाते हैं और सूरज को डूबते हुए देखते हैं। तियांग ने जंगकुक को समझा दिया है, देखो अगर तुम हमेशा भीगते रहोगे ना तो तुम्हें ठंड लग जाएगा और बेबी को भी ठंड लग जाएगा, क्या तुम ऐसा चाहते हो? तो जंगकुक ने कहा, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। तो जंगकुक अब पहले जैसा जिद नहीं करता है, वो बहुत ही समझदार हो गया था, जैसा तियांग कहता है वैसा ही करता है, लेकिन कभी कभी जंगकुक बहुत ही जिद करता है। कभी कभी जंगकुक मिडनाइट को जिन के पास जाने की जिद करता है, जिमिन को देखने की जिद करते हैं, और कभी कभी तो वो आर्यन के साथ और शुगा के साथ खेलने की भी जिद करते हैं। जैसे ही सुबह हो जाता है वो घर वापस नहीं जाना चाहता है, यहाँ पर ही रुक जाना चाहते हैं। तियांग कहता है, मैं तुम्हारा क्या करूँ, मिडनाइट को तुम वापस जाना चाहते हो, जब सुबह हो जाता है तब मना कर देते हो। जंगकुक तुम्हें पता भी है कि तुम अगर ऐसे करते हो ना तो मैं कन्फ्यूज हो जाता हो, आखिर तुम चाहते क्या हो? जंगकुक कहता है, मैं तो बस उन लोगों को मिस करता हूँ रात को। तियांग कहता है, लेकिन मिडनाइट को ही क्यों? जंगकुक कहता है, क्योंकि हम लोग साथ में डिनर करते थे ना और बहुत ही मस्ती करते थे, जब मैं सो जाता हूँ कभी कभी मुझे उन लोगों की याद आ जाते हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, तो सुबह होने पर तुम घर क्यों नहीं जाना चाहते हो, चलो घर वापस चले जाते हैं। जंगकुक कहता है, नहीं मुझे उसके बाद यहाँ पर भी तो रुकना है और मस्ती भी करना है, ये सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर तियांग को घर से कॉल आ जाता है, जिमिन की बेबी हो चुकी है, एक बहुत ही प्यारा सा बेटी हुआ है जिसका नाम है यूनमिन। यूनमिन को देखने के लिए जंगकुक बहुत ही जिद करने लगते हैं। तियांग कहता है, क्या तुम घर वापस जाना चाहते हो, तुम सच में वापस जाना चाहते हो, श्योर हो ना? जंगकुक कहता है, हाँ मुझे यूनमिन को देखना है, वो बहुत ही क्यूट होंगे, प्रिंसेस होंगे, मुझे उसको देखना ही पड़ेगा, मुझे जल्दी से घर वापस लेकर चलो। और वो रोना शुरू कर देता है। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, इतना जिद करने की क्या ज़रूरत है, चलो चलते हैं, और जंगकुक को लेकर वापस आने की तैयारियाँ कर लेते हैं। वो दोनों तो अपने प्राइवेट प्लेन पर आने वाले हैं, उन लोग के लिए क्या मसला है। तो जंगकुक को लेकर तियांग वापस आ गया था। जंगकुक घर वापस आने के बाद से ही यूनमिन को देखने के लिए जिद कर रहा था। तियांग कहता है, वो लोग घर वापस आ जाएंगे शाम तक, हम लोग इंतज़ार करते हैं। लेकिन जंगकुक कहता है, मुझे इंतज़ार नहीं करना है, मुझे हॉस्पिटल जाना है और वहाँ पर जाकर उसको देखना है। जिन कहता है, लेकिन जंगकुक तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, वो लोग वापस आ जाएगा, तुम हम इंतज़ार क्यों नहीं कर लेते हैं? देखो मैं भी तो यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ ना, क्योंकि नामजिन बहुत ही छोटा है, उसको हॉस्पिटल लेकर जाना सही नहीं होगा, ऐसे भी वो लोग शाम को आने ही वाले हैं, डॉक्टर उन लोग को छोड़ देगा, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, जिद करना बंद करो, ये तुम्हारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। जंगकुक कहता है, लेकिन मुझे जाना है तो जाना है,
आप लोग मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो, क्या बात है? तियांग कहता है, उसको समझाना बहुत ही मुश्किल है, लगता है उसको लेकर जाना ही पड़ेगा। लेकिन देखते हैं शुगा जिमिन को लेकर वापस आ गया था, गोद में यूनमिन था। जिमिन उसको गोद में लेते हुए घर के अंदर कदम रखने ही वाले थे, जिन कहता है रुक जाओ, तो जनको कहता है क्या हुआ, आपने उसको वहाँ पर क्यों रोका, अंदर क्यों नहीं आने दिया? जिमिन कहता है, वो तुम नहीं समझोगे, शायद ही उनको कुछ करना होगा, जनको मेरे पास आ जाओ। और यहाँ पर जिन कुछ लेकर आ जाते हैं और जिमिन और यूनमिन की वेलकम करते हैं फूलों के साथ, और साथ में मुंह भी मीठा कराता है। तो जनको कहता है, मेरे टाइम पर भी ऐसा ही होगा ना? तो जिमिन कहता है, बिल्कुल ऐसा होगा, मैं खुद करूँगा ऐसा। तो यूनमिन को जनको गोद में लेने के लिए जिद कर रहा था, त्यांग मना कर रहा था, लेकिन जनको कहता है, मुझे उसको गोद में लेना है, तुम मना क्यों कर रहे हो? त्यांग कहता है, तुम उसको नीचे गिरा दोगे। जनको कहता है, क्या मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं उससे प्यार करता हूँ। जिमिन कहता है, त्यांग तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, उसको लेने दो, ऐसे भी उसको आदत होना चाहिए, क्योंकि सामने उसकी भी बेबी होने वाले हैं ना। तो त्यांग कहता है, ये भी सही है, लेकिन अगर वो संभाल नहीं पाया तो? जिमिन कहता है, मैं हूँ ना। और जिन कहता है, तुम इतना टेंशन क्यों कर रहे हो त्यांग, हम हैं ना, हम संभाल लेंगे। उसके बाद जनको का जिमिन मिलकर जनको को बेबी को गोद में लेना सिखा रहा था, और कैसे बेबी को खाना खिलाया जाता है, कैसे उसको क्लीन किया जाता है, सब कुछ जनको को सिखा रहा था। जनको बहुत ही अच्छे से सीख भी रहे थे। त्यांग जनको को इस तरह से सीखते हुए देखकर उसको आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो इमोशनल हो जाते हैं और जनको को जाकर हक कर लेते हैं और उसकी फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, जनको क्या तुम सच में ये सब कुछ कर लोगे ना? जनको मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मैं बराजू हो गया हूँ और अब तो मैं बेबी को भी जन्म देने वाला हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं उसको बहुत ही प्यार दूंगा, उसको कभी चोट नहीं पहुँचाने दूंगा। देखना जिस तरह से तुमने मेरा ध्यान रखा है ना, उसी तरह से मैं बेबी का ध्यान रखूंगा और इसी तरह से उसको प्यार भी करूंगा। तियांग कहता है, तुम सच में बड़े हो गए हो। जनको कहता है, हाँ वो तो मैं हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं छोटा सा हूँ, लेकिन मैं छोटा नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ। और अब तो तुम्हें ये पता भी चल जाएगा जब मेरे बेबी वापस आ जाएंगे, और मैं इसी तरह से उसकी केयर करूंगा और उसकी उंगलियां पकड़ते हुए उसको स्कूल लेकर जाऊंगा। तियांग कहता है, तुमने तो कितना कुछ सोच लिया। जनको कहता है, और नहीं तो क्या, मैंने बहुत कुछ सोचा है, लेकिन तुम इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? तियांग कहता है, तुम सच में बहुत बड़ा बन गए हो। जनको कहता है, हाँ वो तो है। उसके बाद तियांग जनको को हक कर लेता है और कहता है, तुम बहुत अच्छे हो और मैं हमेशा तुम्हारा इस तरह से ध्यान रखूंगा और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस, तुम्हें और तुम्हारी बीबी को भी, हमारे बीबी को। जनको कहता है, हाँ तुमने सही कहा। और यूनमिन रोना शुरू कर देता है, जनको उसको चुपकाने की कोशिश कर रहा था। जिमिन कहता है, मुझे दो, मैं उसको खाना खिलाता हूँ। जनको कहता है, मैं उसको खिलाता हूँ। तियांग कहता है, जिमिन के पास दे दो ना, वो कर लेगा। लेकिन जनको अपने हाथों से बेबी को खाना खिला रहे थे और बेबी जो है वो मुस्कुरा रहा था। तियांग कहता है, तुमने तो सीख भी लिया। जिमिन कहता है, सच में मुझे भी अब तक अच्छे से नहीं आता है। और जनकुक तो कितनी जल्दी सब कुछ सीख भी लिया है। तियांग कहता है, मेरा जनकुक है ही ऐसा, बहुत ही इंटेलिजेंट। जनकुक आई एम प्राउड ऑफ यू। जनकुक तियांग को हक करते हुए कहता है, तुम मुझसे खुश हो ना, नाराज तो नहीं हो ना? तियांग कहता है, मैं तुमसे नाराज़ क्यों होऊंगा? जनकुक कहता है, वो मैंने जिद किया था ना बेबी के लिए, तुम नहीं देने चाह रहे थे ना मुझसे, फिर भी मैंने तुमसे जिद करते हुए बेबी को तुमसे लेने की कोशिश किया। तियांग कहता है, तुम क्या बातें कर रहे हो जनकुक, बेबी तुम मुझसे कैसे जिद करके ले सकते हो? वो हम दोनों की है और मैं इसलिए नहीं चाह रहा था क्योंकि मुझे लगा तुम बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट और बहुत ही नाजुक हो, तुम्हें नहीं कर पाओगी, लेकिन लगता है मैं गलत था, तुम मुझसे भी कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो फिर टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, अब तो जनकुक की टम्मी भी बाहर आ गया था और तियांग को हक करने में जनकुक को प्रॉब्लम हो रहा था। जनकुक रो रहे थे। तियांग कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? जनकुक कहता है, मैं तुम्हें हक भी नहीं कर सकता हूँ, ये तो बहुत ही बड़ा सा हो गया है, अब मैं क्या करूँगा? तो तियांग जनकुक को पीछे से हक कर लिया और जनकुक से कहा, किसने कहा कि तुम मुझसे दूर हो रहे हो इस टम्मी की वजह से,
तुम तो मेरे और भी क्लोज आ गए हो, देखो इस तरह से। तो जनकुक मुस्कुराया और जनकुक ने मिरर में खुद को देखते हुए कहा, मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, मैं बहुत ही मोटा सा हो गया हूँ ना, और मेरे टम्मी भी बाहर आ गए। तो फिर तियांग ने जनकुक से कहा, किसने कहा तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, और तुम्हें पता है तुम कितना क्यूट लग रहे हो, तुम्हारा जितना क्यूट कोई और हो ही नहीं सकता है। जनकुक, आई एम सो लकी कि तुम मेरे पास हो, और तुम इतने क्यूट लग रहे हो कि मुझे तुम्हें किस करने का मन कर रहा है। जनकुक तियांग से कहता है, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना। तियांग कहता है, क्या मैं तुमसे झूठ क्यों कहूँगा। तो जनकुक कहता है, अगर तुम्हें मुझे किस करने का मन कर रहा है तो तुमने किस क्यों नहीं किया। तियांग कहता है, वो मैं। तो जनकुक कहता है, तुमने बहुत दिनों से मुझे किस नहीं किया है, तुम्हें पता है ना। तियांग कहता है, वो मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मुझे डर लगता है। जनकुक कहता है, क्यों डर लगता है तुम्हें। तियांग कहता है, क्योंकि मैं हाथ से आगे बढ़ जाऊँगा जो अभी सही नहीं होगा, मुझे इस टाइम पर दूरियाँ बनाकर रखना है। जनकुक रोते हुए कहता है, क्या कहा तुमने, तुमने मुझसे दूरियाँ बनाने की कोशिश किया और मुझसे दूर रहना चाहते हो। वो नीचे चले जाते हैं और जिन से जाकर तियांग की शिकायत करता है और कहता है कि वो मुझसे दूरियाँ बनाना चाहता है। तियांग कहता है, जनकुक मेरी बात सुनो, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रहे हो। जिन कहता है, मैं समझ गया तियांग तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, मैं जनकुक को समझा दूंगा। तियांग कहता है, अब तो मेरे लिए और भी मुश्किल होता जा रहा है। जिन कहता है, क्योंकि आखिरी मंथ है ना, आप वो बहुत ही ज़्यादा जिद करने लग जाएंगे। तियांग, तुम उसके साथ संभल कर बातें करना, ठीक है। तियांग कहता है, वो ही तो कर रहा हूँ लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है, आपको पता है कि मैं किस तरीके की इंसान हूँ, उसके बाद भी उसके साथ इतने प्यार से पेश आता हूँ और क्या करूँ मैं। जनकुक कहता है, क्या मतलब है, क्या तुम उसे प्यार नहीं करते हो क्या जो ऐसी बातें कर रहे हो। तियांग कहता है, जनकुक मेरी बात सुनो, और वो उसे भाग रहा था। तो फिर तियांग अपने रूम में चले जाते हैं। जिन जनकुक को समझा कर रूम में भेज देते हैं। उसके बाद जनकुक तियांग के पास आकर बैठ जाते हैं और तियांग से कहता है, सॉरी। तियांग कहता है, क्या कहा तुमने। जनकुक कहता है, सॉरी, वो तुम मुझे उस टाइम पर बोल नहीं कहना चाह रहे थे ना, वो कुछ और बोल रहे थे, मैं समझ नहीं पाया, मुझसे गलती हो गया है ना, इसलिए सॉरी कह रहा हूँ। तियांग जनकुक को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, तुम मुझसे सॉरी मत बोलना, क्योंकि तुम जो कर रहे हो ना वो कोई और नहीं कर सकते हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और जनकुक की होठों पर किस कर लिया। अब जैसे टाइम स्किप करते हुए तियांग जनकुक को लेकर हॉस्पिटल आ गए थे। जनकुक को बहुत ही पेन हो रहा था। तो कुछ घंटों बाद जैसे डॉक्टर बाहर आए, तियांग ने कहा, क्या हुआ डॉक्टर, बेबी रो नहीं रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा, वो एक गड़बड़ हो गए हैं। तो तियांग कहता है, क्या हुआ। अगर जनकुक को कुछ हुआ ना और मेरी बेबी को कुछ हुआ तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। डॉक्टर कहता है, मेरी बात सुन लीजिए पहले, मुझे पता है कि आप माफिया हो और मेरा जान भी ले सकते हो, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था इस हालत में जनकुक तीन बच्चे को जन्म दे सकते हैं। वो तीन बच्चे को जन्म देने वाले हैं और हम इसको लेकर बहुत ही टेंशन में हैं। अगर कुछ हो गया तो प्लीज़ हम पर दोष मत देना। तियांग कहता है, क्या तीन बच्चे। तो डॉक्टर कहता है, हाँ जिन, बाकी सब लोग बहुत ही शौक हो जाते हैं। और डॉक्टर कहता है, अगर तीन में से किसी एक की जान भी चले जाए तो इसमें हमारी गलती नहीं है। तो तियांग कहता है, मेरे किसी भी बच्चों को अगर कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारा जान ले लूँगा। डॉक्टर कहता है, क्या मुसीबत है, पहले तो एक बच्चे की उम्मीद लगाया था, अभी तीन बच्चे को ही चाहिए, तुम लोग तो जेहोब आ जाते हैं। और कहते हैं, डॉक्टर आप जाइए, मैं संभाल लेता हूँ। उसके बाद तियांग जेहोब से कहता है, वो क्या कह रहे हैं, तीन बच्चे होने वाले हैं, वो सब लोग सही सलामत चाहिए, अगर उसको कुछ हुआ ना तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। जेहोब कहता है, तुम बिल्कुल टेंशन मत करना, मैं गारंटी देता हूँ किसी को कुछ नहीं होगा, मैं अंदर जाता हूँ और सब कुछ संभालता हूँ, ठीक है ना। तियांग कहता है, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, जाओ और जाकर सब कुछ संभालो। तो जेहोब एक घंटे बाद बाहर आते हैं और कहता है, कंग्रेचुलेशन, तुम तीन बच्चों के डैड बन गए हो, तुम्हें ट्विंस बेबी बॉय हुए हैं और एक बेबी गर्ल। तियांग कहता है, क्या क्या मैं उन लोगों को देख सकता हूँ और जनकुक कैसा है। तियांग जल्दी से जनकुक के पास जाना चाहते हैं। सबसे पहले वो जनकुक के पास जाते हैं और जनकुक को गले लगा लेते हैं। जनकुक बहुत ही ज़्यादा क्यूट और इनोसेंट और स्वीट लग रहा था।
तियांग जनको की होठों पर किस करते हुए कहता है, तुम मेरे लिए बहुत ही पीशियस हो, तुम्हें पता है ना, आई रियली लव यू। जनको जनको कहता है, आई लव यू टू। हमारी 3 बच्चे हुए हैं, तुम्हें पता है ना तियांग, मुझे बहुत ही पेन हुआ, लेकिन जब मैंने बच्चों को देखा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं सारे पेन को भूल गया। तियांग कहता है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने क्या किया है। जनकुक जनकुक कहता है, वो लोग कहाँ है, मैं उन लोग को देखना चाहता हूँ। क्योंकि नमजिन थोड़ा सा चल सकता है और यूनमिन जिमिन के गोद में था क्योंकि वो छोटा है, तो यूंगी आरएम और यहाँ पर है जिन, तीनों 3 बच्चों को गोद में लेकर अंदर आ जाते हैं। जनकुक वो उन 3 बच्चों को देखकर खुश हो जाता है और वो खुशी के मारे बेड से उठ जाने ही लगते हैं, तो तियांग उसको पकड़ते हुए कहता है, इतना जल्दबाजी मत करो, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, मैं बच्चों को यहाँ पर लेकर आता हूँ। और 3 बच्चों को जनकुक के पास लेकर आते हैं। तियांग अपनी गोद में एक बेबी बॉय को और एक बेबी गर्ल को रखा था और दूसरी बेबी बॉय को जनकुक के गोद में दिया था। तीनों साथ में ही थे, बेड पर बैठा हुआ था। जनकुक कहता है, मेरे बच्चे के नाम क्या रखेंगे हम? तो तियांग कहता है, तुम क्या रखना चाहते हो, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो ही रखो। तो जनकुक ने कहा, एक का नाम है तेकुक, दूसरे का नाम है भीकुक और लड़की का नाम है तेगुगी, कैसा रहा? तो तियांग कहता है, तुमने नाम भी सोच कर रखा था, तुम इतने टैलेंटेड कैसे हो सकते हो? जनकुक, मैंने सोचा भी नहीं था तुम इतने समझदार बन जाओगे और इतना कुछ कर सकते हो, सच में तुम बहुत ब्रेव हो। जिमिन कहता है, तुम हम बॉटम को समझते क्या हो, आखिर हम बॉटम भी पावर बॉटम हो सकते हैं, देखा ना जनकुक ने क्या किया है, वो 3 बच्चों को साथ में जन्म दिया है, अब कभी हम पर शक मत करना, समझे ना तियांग, तुमने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। तियांग कहता है, अब तुम कौन सी बातों को लेकर आए हो जिमिन? शुगा कहता है, क्यों जिमिन, तुम तो साथ में 3 बच्चों को जन्म नहीं दे पाया ना, तो तुम ऐसी बातें मत किया करो। हाँ, जनकुक के बारे में ये कह सकते हैं, वो तो बिल्कुल पावर बॉटम है क्योंकि उसने 3 बच्चों को जन्म दिया है। और जनकुक कहता है, आप लोग क्या बातें कर रहे हो? तो जनकुक की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तो गाइस, यहाँ पर ये दियन कहता हूँ, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।